दोस्तों फाइनली आप लोगों के सामने है ऑनर मैजिक 7। ये स्मार्टफोन में सबसे ज़रूरी बात ये है कि ये आपको 6 सीरीज़ का ही अपग्रेड के तौर पे 7 को ये डिज़ाइन वगैरह लॉन्च किया है। हालांकि अगर मैं डिज़ाइन की बात कर लूँ थोड़ा सा अलग है, फीचर स्पेसिफिकेशन में थोड़ा सा बदलाव है, प्राइस लेकिन काफ़ी कुछ ज़्यादा आगे चला गया है। लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ पे ये बताऊँगा कि जो इसके कैमरे हैं ना, कैमरे में काफ़ी कुछ कंप्रोमाइज़ नहीं किया है, पहले से बेहतर किया गया है। ओमनी विज़न OV50 प्राइमरी कैमरा है, 50 मेगापिक्सल का सोनी IMX का 882 टेलीफोटो सेंसर है, 50 मेगापिक्सल का लेंस दिया जा रहा है। परफॉर्मेंस के लिए डिवाइस में आने वाले कॉलकम स्नैपड्रैगन 8 जनरेशन 4 चिपसेट का है। ये चिप आने वाले जो अक्टूबर में लॉन्च होगा, तो जाहिर सी बात है कि नवंबर दिसंबर में कहीं जाके लॉन्च होगा ऑनर मैजिक 7। लेटेस्ट लीक के हिसाब से बैटरी का साइज़ का कुछ ज़्यादा अभी तक नहीं है, लेकिन बताया जा रहा है कि 6000 mAh की बैटरी आ सकती है और ये 7 प्रो 7 ये दोनों एक साथ लॉन्च हो सकते हैं। जहाँ तक अगर हम इसके डिस्प्ले के लेकर बात करें, जैसे कि डिस्प्ले भी 6.78 इंच की है और फुल HD+ OLED डिस्प्ले, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, 1264 का पिक्सल्स का रेजोल्यूशन और 4nm का कॉलकम स्नैपड्रैगन 8 जनरेशन 3 चिपसेट और इसे एंड्रोनो 750 GPU के साथ है, जो कि ऑनर मैजिक 6 सीरीज पहले लॉन्च हुआ था 3 चीज़ों में, लेकिन इस बार भी 7 जो लॉन्च हो रहा है वो 7 3 स्टोरेज में लॉन्च होंगे, जैसे 12GB+256GB का स्टोरेज, 16GB+256GB का स्टोरेज। फिर जो टॉप मॉडल होंगे वो 16GB+512GB का स्टोरेज होंगे। और जहां तक कैमरे की बात कर लूँ, कैमरे को आपको पहले ही बता दिया कि काफ़ी कुछ अपग्रेडेड वर्जन है, जैसे कि अच्छे खासे हैं 50 मेगापिक्सल का और ओमनी विजन, सब सारी चीज़ें रखे हैं। तो कहने का तात्पर्य यही है कि डिस्प्ले, चिपसेट और कैमरा डिज़ाइन, ये सारे बदलाव हैं 6 सीरीज़ के तहत, काफ़ी कुछ ज़्यादा बदलाव, लेकिन प्राइस भी आपको कहीं ना कहीं कुछ ज़्यादा ही देना पड़ जाएगा। तो फिलहाल दोस्तों वीडियो तक, वीडियो को पसंद है जब लाइक करना, शेयर करना। मिलता हूँ मैं सिर्फ वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।